2015 से पूरा मामला है, उसके बाद जिस तरह से ज़मीन का वहाँ पर अधिग्रहण करने की बात आई, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाने की जो बात इसमें निकल कर सामने आई, उसको लेकर जो भूमि अधिग्रहण किया जाना था उसमें 41 करोड़ रुपये का तकरीबन मुआवजा देना था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 353 करोड़ सोचिए हो जाता है, 2023 तक आते थे 353 करोड़ ये हो जाता है, तो अपने आप में 9-10 गुना ये रकम है वो प्लस हो जाती है। और ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर जो सड़क बननी थी उसमें भी 1 किलोमीटर पहले 18 करोड़ में तय हुई और बाद में होते होते ये 251 करोड़ रुपये आ गई, तो अपने आप में ही घोटाले का जो समीकरण निकल कर सामने आया। और साथ में जो रिपोर्ट केजरीवाल ने जो है LGG को दी है उसमें कई तरह के तथ्यों पर विचार किया गया और ये कहा गया कि तुरंत जो दिल्ली से जो है मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार उनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। तो अब ये मामला अपने आप में बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर जो तकरार है वो केंद्र जो राज्य सरकार है और एक तरीके से LG है उनके बीच में होती हुई दिखाई पड़ने वाली है और सीधे तौर पर ये केंद्र के साथ में अभी राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी लड़ाई मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जहां एक तरफ दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके कई करीबी दिग्गज नेता जो इन दिनों जेल में कैद हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर खुलकर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, और अब इसी बीच उनका बेहद तगड़ा एक्शन देखने को मिला है जिससे वे अब ED और CBI के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि सर आप भी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में पहले से ही अपने दिग्गज नेताओं को जेल में बंद देख रहे हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, सत्येंद्र जैन भी है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक अलग तरीके की राजनीति करते हुए तो देखे ही जा रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और इसी बीच यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली सरकार के जो मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार, जिन्हें उनके पद से बर्खास्त करने की अब वह मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद से देखा जाए तो अब यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार को वह साफ तौर पर खुली चुनौती दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में वह भी फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर देखा जाए क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार को वह चुनौती देने में सफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि CBI और ED तक अब वह पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल, और पहली बात तो जिस तरह से आपने शुरुआत की कि लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार है और खुद CM अरविंद केजरीवाल हैं, वो तमाम सारे घोटालों में तो कहीं ना कहीं घिर रहे हैं, वहीं उनके कई सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कई सारे पार्टी के मंत्री हैं वो जेल के अंदर बंद हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी या पूरी आम आदमी सरकार जो है एक तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, गबन घोटाले कर रही है, ऐसे तमाम सारे मामलों में उसका नाम आना अपने आप में बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि 2023 में तो विधानसभा के चुनाव हैं लास्ट में ये, वहीं 2024 की शुरुआत अगर हम देखें तो तुरंत लोकसभा चुनाव से होगी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपने आप को सतर्क मोड पे लेकर आना चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने अब सीधे तौर पर जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार उनको उनके ऊपर आरोप लगा, ना सिर्फ आरोप लगाया बल्कि LG से ये कहा है कि भाई इनको आप सस्पेंड करिए, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए तकरीबन 850 करोड़ रुपये का जो अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया है, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से घोटाला है, बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम है जिसको जो है आपकी नज़र में हम रख रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा जो उनकी मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने 650 पन्ने की इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने अपने CM अरविंद केजरीवाल को दी है, केजरीवाल जी ने ये रिपोर्ट जो है LGG को दी है, तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि किस तरह से अब ये पूरा का पूरा मामला है ये अब खुलकर सामने आएगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि जो पूरा आरोप केजरीवाल सरकार ने लगाया, क्योंकि उसमें वो उनकी सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और बड़े लेवल पे जांच किए जाने की भी वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या LG फैसला करते हैं वो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी देखना, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा अगर मामला देखें 2015 से पूरा मामला है, उसके बाद जिस तरह से ज़मीन का वहाँ पर अधिग्रहण करने की बात आई, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि द्वारिका एक्सप्रेसवे बनाने की जो बात इसमें निकल कर सामने आई, उसको लेकर जो भूमि अधिग्रहण किया जाना था उसमें 41 करोड़ रुपये का तकरीबन मुआवजा देना था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 353 करोड़ सोचिए
हो जाता है, 2023 तक आता है 353 करोड़ ये हो जाता है, तो अपने आप में 9-10 गुना ये रकम है वो प्लस हो जाती है। और ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर जो सड़क बननी थी उसमें भी 1 किलोमीटर पहले 18 करोड़ में तय हुई और बाद में होते होते ये 251 करोड़ पे आ गई। तो अपने आप में ये घोटाले का जो समीकरण निकल कर सामने आया, और साथ में जो रिपोर्ट केजरीवाल ने जो है LGG को दी है उसमें कई तरह के तथ्यों पर विचार किया गया और ये कहा गया कि तुरंत जो दिल्ली से जो है मुख्य सचिव हैं नरेश कुमार उनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। तो अब ये मामला अपने आप में बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक बार फिर जो तकरार है वो केंद्र जो राज्य सरकार है और एक तरीके से LG है उनके बीच में होती हुई दिखाई पड़ने वाली है और सीधे तौर पर ये केंद्र के साथ में अभी राज्य सरकार की एक और बड़ी लड़ाई मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी जंग अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जिस घोटाले के बारे में अमन जी ने बात की है, यहाँ पर आखिरकार वो घोटाला किस तरीके से हुआ, थोड़ी सी उन्होंने आपको हिंट दी, लेकिन हम आपको अपनी खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि नरेश कुमार के जो बेटे हैं करण कुमार को लेकर किस तरीके से यहाँ पर जो जानकारियां सामने आई हैं और इसी मामले के चलते कथित भ्रष्टाचार को लेकर CM अरविंद केजरीवाल ने एक रिपोर्ट भेजी है और CBI ED तक वह पहुंच चुके और उनका कहना साफ तौर पर यह है कि अब नरेश कुमार को सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि आखिरकार भ्रष्टाचार में लिप्त किस तरीके से नरेश कुमार और उनके बेटे नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में उप राज्यपाल VK सक्सेना को सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट भेजी है जिसमे बामनौली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार पर प्रथम दृष्टया मिलीभगत का आरोप लगाया है। सरकारी सूत्रों ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि विजिलेंस मिनिस्टर मंत्री आदिशी ने मंगलवार को CM केजरीवाल को ये रिपोर्ट सौंपी जिसमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बामनौली गांव में 19 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में कथित भ्रष्टाचार के लिए नरेश कुमार को पद से हटाने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने विजिलेंस मंत्री को ये रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI और ED को भेजने के निर्देश दिए हैं। भूमि अधिकरण का मुआवजा 41 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 353 करोड़ रुपए तक कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया है कि सौदे में अनुचित लाभ का स्तर 897 करोड़ रुपए से अधिक का रहा था। ऐसे में देखा गया है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट एक शिकायत के संबंध में जांच पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया कि मुख्य सचिव के बेटे को एक ऐसे व्यक्ति ने नियुक्त किया था जो बामनौली में लाभान्वित भूमि मालिकों का रिश्तेदार था। ऐसे में प्रतिक्रिया में CS नरेश कुमार ने कहा था कि उन पर लगे आरोप किसी असंतुष्ट तत्व द्वारा कीचड़ उछालने का प्रयास था जो विजिलेंस जांचों का सामना कर रहे थे। आपको बता दें कि विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी ने 670 पन्नों की जांच रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को सौंपी है और अब देखा जाए तो CBI ED तक अब अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और इस मामले की जांच पड़ताल के लिए अब वह CBI ED की तरफ रुख किए हैं। ऐसे में देखा गया है कि अब यहां पर रिपोर्ट के आधार पर CS को तत्काल पद से हटाने और सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। बताते चले कि 1987 में बैच के नौकरशाह और मुख्य सचिव नरेश कुमार इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नरेश कुमार को विस्तार मिल सकता है, ऐसे में नया विवाद उनके एक्सटेंशन पर ब्रेक भी लगा सकता है। नरेश कुमार बीते पिछले साल 2022 में ही मुख्य सचिव बनाए गए थे, लेकिन अब कथित भ्रष्टाचार के मामले में वह फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल के हाथों में भी कुछ अहम सबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अमन जी बात की जाए, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से यहाँ पर दावे कर रहे हैं, जिस तरह से अब वह रिपोर्ट आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या यहाँ पर अब मामले से देखा जाए तो मुद्दे से भटकाने की अब कोशिश की जाएगी, क्या यहाँ पर
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब खुद कम होती हुई नजर आएंगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में तो ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो सकती है। जी देखिए, एक तो पहली बात नरेश कुमार जो हैं वो ये भी अब उनका बयान सामने आया कि वो ये तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने शराब नीति को लेकर जो खुलासे किए, इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल घर बना उसको लेकर जो खुलासे किए, अब उसके एवज में यानी कि उसके बदले के रूप में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार जो है मुझसे अब एक तरीके से बदला ले रही है और इस तरह के खुलासे करके और मनगढ़ंत कहानी बनाकर मेरे खिलाफ एक माहौल तैयार कर रही है और ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें पहले की हैं, अभी का कोई नया मामला नहीं है और उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, क्योंकि बल्कि वो तो ये कहते हैं कि उनकी कोशिश की वजह से ये मामला सामने आया और इसमें जो पूरा हेर फेर था वो खुलकर सामने आया। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जो केजरीवाल सरकार है, सीएम केजरीवाल है, वो मुझे पूरी तरह से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से मुझसे बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखना यही होने वाला है कि जिस तरह से सबूत सामने रखें, जिस तरह से बातें सामने रखी हैं, जिस तरह से कागज़ सामने रखे हैं और जिस तरह तथ्यों को पेश किया गया है वो कितना पुख्ता है, कितना मजबूत है। क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं, अगर जो रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं, अगर वो उन आंकड़ों पर ही हम गौर करें, उन आंकड़ों की सच्चाई को एक बार के लिए मान लें, तो अपने आप में समझ में आता है कि जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि 850 करोड़ रुपये का ये पूरा मामला है और किस तरह से जो ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। उसमें ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जब नरेश कुमार को जब मुख्य सचिव बनाया गया उसके महज 40 दिन के अंदर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो मुआवजे की कीमत है वो 9 गुना बढ़ा दी जाए। और यही बात होती है, इसमें एक और पॉइंट भी है कि जब जो साउथ वेस्ट के ज़िले के जो डीएम उस समय के थे हेमंत कुमार, उन्होंने 40 दिनों के अंदर ये फैसला किया और उससे पहले 3 DM ने इस मुआवजे की रकम को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन फिर हेमंत कुमार की इसमें एंट्री होती है, वो इस फैसले को करते हैं कि हाँ मुआवजे की रकम को बढ़ा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी पूरे का पूरा जो मामला है इसमें कई सारे पेज हैं, कई सारे नाम हैं, कई सारे खुलासे अभी भी होना बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें LG क्या फैसला करते हैं, LG इसमें क्या निर्णय करते हैं, वो देखना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर LG का क्या कुछ फैसला आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट भेजी गई है उपराज्यपाल को, उस रिपोर्ट के बाद से देखा जाए तो सभी की नजरें ये टिकी हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल की जीत अब इस मामले में नजर आएगी। कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अब इस मामले में जीत बोलते हुए नजर आएंगे, क्या इसका पूरा फायदा अब 2024 में उन्हें अब होता हुआ नजर आएगा, या फिर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले के चलते उनको भारी नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल प्रांशिक जी, हमें समझनी पड़ेगी जिस तरह से अगर हम देखें पूरे के पूरे मामले को, तो जो शराब नीति है या जो केजरीवाल जी का घर बना उसकी बात हम लोग कर सकते हैं, ऐसे और भी तमाम सारे मामले जिसमें जो आप सरकार है इसके ऊपर कई तरह के आरोप लगे, कई उनके मंत्री जेल में गए और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी चारों तरफ घिर रही है। खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूछताछ और गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो ऐसे में उनके पास एक अपनी छवि को बेहतर करने का मौका था। इसीलिए उन्होंने आनंद फानंद में तुरंत ये काम किया है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट तुरंत LG को भेज दी है और ये बोला कि भाई इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से 850 करोड़ रुपये घाटा जो है वो दिल्ली सरकार को होने वाला था। ऐसे तमाम सारे उन्होंने इसमें बातें रखी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि 2024 से पहले वो अपनी बहुत सारी छवि जो है, अपना बहुत सारे ऊपर जो दाग लगे हुए हैं उसको साफ करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसके अंदर कुछ भी अपने जो जनता से छलावा करने का मन नहीं है, बल्कि जो प्रदेश को और बेहतर वो करना चाहती है। इसीलिए वो लगातार इस मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं और लगातार LG से मांग कर रहे हैं कि भाई जो नरेश कुमार हैं मुख्य सचिव हैं उनको तुरंत के तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। यानी कि वो संदेश दे रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के एकदम खिलाफ हैं, हमारा इससे दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है और जो सरकार की तरफ से आरोप लग रहे हैं या जो ED और तमाम सारी एजेंसी हमारे मंत्रियों को जेलों में बंद कर रही हैं वो बेबुनियाद है। यानी कि अपनी एक छवि को बेहतर करने का भी कहीं ना कहीं एक मौका है आम आदमी पार्टी के पास और वो उसको ठीक करने का प्रयास करे, इसीलिए वो लगातार इस पर इतना जो है तेज़ और तल्ख रुख दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि 2024 की तैयारी, क्योंकि अब 5-6 महीने का वक्त मुझे लगता है कि रह गया है मुश्किल से, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार यही सोच रही है कि इस तरह से खुद की जो इमेज है, खुद की जो पोजीशन है, उसको और बेहतर किया जाए। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, CBI और ED से वह जिस तरह से उम्मीद रख रहे हैं, क्या केंद्र, क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है उसके नेतृत्व में CBI ED काम कर रही है, क्या वाकई में CBI और ED का पक्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए प्रियांशी, अभी तो सिर्फ नरेश कुमार की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और अगर नाम आ गए तो आप सोचिए क्या ED और CBI उनको जेल में उठाकर बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास एक मौका आ जाएगा कहने का कि भाई आपने हमारे जितने भी मंत्री और जितने भी नेता थे उनको सिर्फ आरोप की बिना पर उठाकर जेल में बंद कर दिया, लेकिन जब आपके इस तरह से अधिकारियों पे और तमाम लोगों पे इस तरह का जो आरोप लगता है तब आप खामोश चुप जो है बैठे हुए। तो कहने का मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में एक बड़ा ऐसा मौका लग गया है जहां से वो केंद्र सरकार पर और LG पर एक तरीके का प्रहार कर सकते हैं और जो घोटाला है इसके ऊपर अपनी जो छवि है उसको बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
वाकई में अब यहाँ पर देखना होगा क्या अब यहाँ पर नरेश कुमार के चलते क्या वो एक ऐसी कड़ी बनती हुई नजर आएंगे जो मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। क्या वाकई में CBI और ED आखिरकार यहाँ पर जो एक्शन लेगी वह केजरीवाल के पक्ष में नजर आएगा या फिर नहीं, अब देखना होगा ये वक्त के साथ साथ। लेकिन फिलहाल आज हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next9 News।